नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज़ 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है और वो ऐसा खिलाड़ी है जो आते ही चौके छक्के लगाना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों, उस खिलाड़ी ने जैसे ही मैदान पर कदम रखा था, सामने गेंदबाज सोचने पर यह मजबूर हो जाता है कि भाई मैं गेंद को कहां पर डालूं। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हो उस भयंकर और विस्फोटक बल्लेबाज के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को पता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट जाते हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड दोस्तों बन भी जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कारनामा करके दिखा दिया है एक खिलाड़ी ने। दोस्तों, एक टूर्नामेंट का मुकाबला खेला गया नई मुंबई और पनवेल के बीच में। दो टीम थी, नई मुंबई और पनवेल, जहां पर सबसे पहले तो नई मुंबई ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला कर लिया। मगर दोस्तों, ये फील्डिंग करने का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ नई मुंबई का, क्योंकि पनवेल की ओर से सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए आए थे किरण पवार के साथ उस्मान पटेल। किरण पवार और उस्मान पटेल ने आते ही चौके छक्कों की बारिश स्टार्ट कर दी और बहुत भयंकर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों खिलाड़ी। जहां पर किरण पवार ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 40 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, मगर छठवें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना कैच थमा बैठे खिलाड़ी को और आउट हो गए। और उसके बाद दोस्तों, उस्मान पटेल का साथ देने के लिए आकाश तारेकर आ चुके थे मैदान पर, जो कि केवल एक बॉल खेल पाए, अपना खाता नहीं खोल पाए। मगर हमें सबसे ज्यादा तो तारीफ करनी होगी उस्मान पटेल की, जिन्होंने मात्र 12 गेंदों पर ही अपने 47 रन पूरे कर लिए थे। आपको यकीन नहीं होगा, 12 गेंद जैसे हुई थी 12 गेंदों पर ही 47 रन ठोक डाले थे। और दोस्तों, इस खिलाड़ी ने इस मैच में मात्र 14 गेंदों का सामना करते हुए 9 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 59 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। दोस्तों, 9 गगनचुम्बी छक्के लगाए इस खिलाड़ी ने और नाबाद 59 रन की पारी खेली है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, इस तरीके से पनवेल ने मात्र एक विकेट खोने के बाद 6 ओवर का ये मैच था, जिसने 123 रन का स्कोर बना दिया और इस मैच को भी आसानी से जीत लिया पनवेल की टीम ने। दोस्तों, एक नोकल मैच था। अगर ऐसा खिलाड़ी भारतीय टीम को मिल जाता है, धुआंधार बल्लेबाज, तो फिर भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना था और आप इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।